जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक बहुत 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 स्वागत करता हूं आपका क्राइम कंट्रोल में। दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड उन नौजवानों के लिए है जो गरीबी की दलदल में फंस के भी अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। दोस्तों, आज के युग में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं। इसीलिए आज का हर माँ बाप अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाता है, चाहे वो मेहनत मजदूरी करता है, चाय का काम करता है, रिक्शा चलाता है, यहाँ तक कि अगर उसको कर्जा लेके भी बच्चों को पढ़ाना पड़े तो ज़रूर पढ़ाता है। पर दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर बच्चे की कोई अच्छी नौकरी ना लगे तो क्या, या उसका अच्छा बिजनेस ना हो तो क्या। दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड समाज में बढ़ रही पल रही कलंक जैसी बेरोजगारी पर ही है। कैसे एक भोला भाला लड़का, मेहनत पर विश्वास रखने वाला लड़का बन जाता है क्रिमिनल, ये आप ही देखो। मैडम जी, इसी ने कत्ल किया है। ले जाओ इसे हवालात में, पूछताछ करो, मैं भी आता हूं। हाँ भाई, बताओ उसे क्यों मारा था। मैं तेरे से पूछ रहा हूं, क्यों मारा था उसके। हाँ बता, क्या दुश्मन थे तेरे उसे। बताता है जा, दूसरा तरीका अपनाऊं। सर, ये पक्के मुजरिम होते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं, पेट से सीख के आते हैं। नहीं सर जी, मेरे माँ बाप के बारे में ऐसा मत बोलना, मैं बहुत शरीफ फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर तू शरीफ फैमिली से बिलोंग करता है तो तूने लड़की का कत्ल क्यों किया। देखो मुन्ना, मैं तुम पर पुलिस की थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अगर तुम सच सच बता दोगे तुमने लड़की का मर्डर क्यों किया तो ठीक है, वरना मजबूर होकर मुझे तुम पर। मैडम जी, ये ऐसे नहीं बताएगा। बताता हूँ सर जी, बताता हूँ। कैरी ऑन। मैडम जी, मैं पैदाइश क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे मेरे हालात ने ये सब करने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, वो कैसे। मुझे भी मेरे माँ बाप ने बड़े ही चाव से पढ़ाया था। हाँ जी, आज अपने बेटे का रिजल्ट था, अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगा, इसमें घबराने की क्या बात है। आना तो चाहिए था ना, अभी तक। ये लो अपना बेटा अमन, आ गया है। पावला को पापा जी। सदा सुखी रहो। पावला को मम्मी। सुखी रहो बेटा। लो मुंह मीठा करो, आपका बेटा पास हो गया। मेरे को यही उम्मीद, लाख लाख शुक्र है, हमें यही उम्मीद थी बेटा, आप सदा सुखी रहो। ये लो, आप ऐसे ही टेंशन कर रही थी, अब हमें यही उम्मीद थी हमारा बेटा पास हो गया। अब मैंने बीए पास कर लिया है, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी सी नौकरी ढूंढकर अच्छे पैसे कमाऊंगा और आपके सभी दुख दूर करूंगा। अच्छा बेटा। अच्छा, तो बीए पढ़े हो तुम। जी मैडम जी। हर माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाता है कि वह पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। पर दोस्तों, अच्छी नौकरी लेने के लिए अच्छी पढ़ाई की नहीं, शायद इसकी जरूरत पड़ती है, आप ही देखो। फिर क्या हुआ। फिर मैडम जी, माँ जल्दी करो, मुझे जाना है। आई बेटा आई। माँ जल्दी करो।
अच्छा माँ मैं चलता हूँ। अच्छा माँ अब जल्दी खुशखबरी दूंगा, आपको काम करने की अब जरूरत नहीं है, अब मैं खुद काम करके आपके लिए लेके आऊंगा कमाई करके। अच्छा बेटा, भगवान जल्दी नौकरी दे। बड़े ही चाव के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस में अमन घर से निकला है नौकरी लेने के लिए, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पर और डिग्री पर पूरा विश्वास है। चलो देखते हैं क्या होता है इस बेचारे के साथ। Yes. सर आपने न्यूज़पेपर में जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट दी थी ना, तो सर मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आपके डॉक्यूमेंट तो सारे ठीक हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। उसके लिए मेरे को ऊपर से भी देखना पड़ता है, जो बैठे हैं हमारे लिए उनको भी चाय पानी कुछ। सर मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर, तो सर मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से किराया सर सब कुछ, तो सर मुझे जॉब के लिए बहुत ज़रूरत है सर। आप मुझे अपना नंबर दे देना तो मैं आपकी फायर फिर आपको फ़ोन कर दूँगा, ठीक है। दिखाओ क्या लिख रहा है। नंबर तो तुम्हारे अच्छे हैं, डन डन।
जी सर, ठीक है। सॉरी यार। सर मेरे माँ बाप ने बड़े मुश्किल से पढ़ाया मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है सर। बेटा मैं तो तुम्हें चाहता था कि नौकरी दे दूँ, पर मेरी मजबूरी है। मेरी सॉरी। मैं कमिन सर। कमिन सर, आपने न्यूज़पेपर में जॉब के लिए ऐड दी थी, तो सर मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरी डॉक्यूमेंट है। मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं आपके, नौकरी करना चाहते हैं? यस सर। कुछ है? सर नहीं, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, तो सर मैं इतना नहीं कर सकता। अच्छा चलो ठीक है, बाहर बैठो, अभी बुलाते हैं। दोस्तों पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर पढ़ लिख कर अगर कोई अच्छी नौकरी ना लगे, जब बिजनेस में अच्छी सेटिंग ना हो, तो क्या बीतती है दिल पर। क्योंकि आज जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ चलती है या तो रिश्वत या सिफारिश, पर अगर दोनों में से एक भी ना हो तो क्या? फिर क्या हुआ? फिर मैडम जी, एक कप चाय तो देना। अच्छा ही क्या कर रहा है? अरे
यार तुम यहाँ तो बस यहाँ पे बस यार हाँ फिर मिली नौकरी कहाँ यार मैं तो धक्के खा खा के परेशान हो गया नौकरी ऐसे नहीं मिलती उसके लिए चलती है रिश्वत यहाँ चलती है सिफारिश पर आपको तो पता है ना यार मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पढ़ाया ना तो मेरे पास रिश्वत है और ना ही सिफारिश तो फिर बेटा नौकरी भूल जा तो फिर मैं क्या करूँ तू हमारे साथ काम कर तुम्हारे साथ क्या काम करूँगा चलो हमारे साथ बताते हैं पर करना क्या है बताओ तो सही तूने आम खाने के पेट गिनने पर फिर भी पता तो चले क्या करना है और तू चलना यार तेरे को बताते हैं अभी चल चलो दोस्तों अगर बच्चा ना पढ़े तो और बात अगर कम पढ़े तो भी और बात लेकिन अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर ले तो उसको मेहनत मजदूरी जैसा काम छोटा लगने लग जाता है पर मैं दोस्तों एक बात ज़रूर क्लियर करूँगा उन नौजवानों को कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता काम तो काम ही होता है लेकिन एक अपील सरकार से और शासन प्रशासन से भी करूँगा कि जो लोग रिश्वत मांगते हैं जब वो बैंकें जो लोन देने के लिए ऐसी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ मांगते हैं जो कि इन नौजवानों से पूरी नहीं होती आज अगर अमन को अच्छा बिजनेस या अच्छी नौकरी मिल जाती तो शायद इस रास्ते पर ना चलता जिस रास्ते पे वो चल पड़ा है मैडम जी वो एटीएम से पैसे निकाल कर बाहर निकली और पैसे गिनने लगी मुझे पैसों की ज़रूरत थी मैंने उसका पीछा भी किया फिर मैंने उसका पर्स छीनने की कोशिश की जब मैंने उसका पर्स छीनने की कोशिश की तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया मुझे कुछ नहीं सूझा मैंने छुरी निकाल कर उसके पेट में मार दिया
फांसी होगी, उम्र कैद या कुछ सालों की सजा। लेकिन इतना अवश्य तय है कि तुम्हारी जिंदगी के कुछ साल जेल की शीशों के पीछे अवश्य गुजरने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी के वो कीमती साल जिनमें बाहर रहकर तुम बहुत कुछ कर सकते थे, अब तुम्हारी हालत वो होगी जैसी पिंजरे में बंद पक्षी की होती है, जो फड़फड़ा तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। तुम्हारे जैसे लोग मजाक समझते हैं कानून को, सोचते हैं कुछ भी करने कानून को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कानून अंधा नहीं होता। नौकरी नहीं मिली तो चल पड़े तुम्हारे रास्ते पर, अरे नौकरी नहीं मिली तो कोई आहत तो नहीं आ गई। रोजगार के और भी तो बहुत सारे साधन हैं, एक रिक्शे वाला, एक ऑटो वाला एक दिन में कम से कम 500-700 रुपए कमा लेता है, यहां तक कि एक मजदूर एक दिहाड़ीदार भी एक दिन में 400 रुपए दिहाड़ी लेता है, और तुम चल पड़े गुनाह के रास्ते पर, बहाना मिल जाता है गुनाह करने का, क्योंकि तुम लोगों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जो हक की कमाई से पूरी नहीं होती। अफसोस अफसोस, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगी जब तुम सजा काट कर जेल से बाहर आओ तो एक अच्छे नागरिक बनो, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे नागरिक। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम जी, मैं बहक गया था। मैं सोचता था कि छोटा काम करूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए मैडम जी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा जुर्म माफी के योग्य नहीं है, अब तो जो करना होगा कानून ही करेगा। कानून में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं। अमन को अगर अच्छी नौकरी नहीं लगी तो वो चल पड़ा अपने दोस्तों के कहने पे गुनाह के रास्ते पे। शायद वो ऐसा ना करता अगर उसको अच्छी नौकरी मिल जाती, पर दोस्तों ऐसा करने से पहले उसको सोचना चाहिए था कि अब उसके माँ बाप का क्या होगा। दोस्तों अगर आपके इर्द गिर्द भी हो रही है कोई ऐसी ही घटना तो आप संपर्क कीजिए क्राइम कंट्रोल की टीम से। संपर्क करने के लिए हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हर जुर्म की आवाज़ होती है, ज़रूरत है उसे सुनने की, उसे पहचानने की। सुचेत रहो, सावधान रहो। दीपक बहुत को दो इजाज़त, एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते। जय हिंद।